अब ये पहले का होल है और ये बाद वाली है जो अभी मैंने धार लगा करके सेटिंग किया है। तो हालांकि ये ज़्यादा हो गया, होल 500 तक हो गया, ये अभी आधा इंच तक का ही है। तो फार्मूला यही है कि जैसे अभी दोनों बिट देखिए गौर से। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेक फर्नीचर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ड्रिल बिट की कुछ सीक्रेट बातें। मान लीजिए आपके पास में आधा इंच का बिट हो ड्रिल का और आपको होल करना है लगभग 500 में, तो हम कैसे करेंगे? वो भी एक बार में करना हो, या मान लीजिए हमारे पास आधा इंच का बिट है, हमको करना है 600 में करना हो, एक ही बार में करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो कुछ उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको, कुछ आइडिया देंगे, कुछ नया ट्रिक देंगे। तो एक बिट हो या 200 का हो या आधा इंच का हो या 300 का है या पौना इंच का हो, तो हमें एक बार में पौना इंच से अगर एक इंच करना हो या 1.25 करना हो तो किस तरह से होल करेंगे, कुछ ऐसे धार लगाना है जिससे आप वो काम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो बने रहिए कंटिन्यू। हेलो गाइज, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास ये दो बीटे हैं, ये दोनों आधा इंच के ही है, ये भी आधा इंच है, ये भी आधा इंच है, देख पा रहे होंगे। ये मान लीजिए हमारे पास एक बीट है आधा इंच का और हमारे पास दूसरा बीट नहीं है मौके पे, तो हम क्या करेंगे जब हमको 500 का या 600 का होल करना होगा? तो इसी बीट के माध्यम से हम करेंगे। तो हमारे वीडियो पे आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, धार तो आपको ऐसे ही लगाना है, मैंने ये वीडियो बना चुका है धार लगाने वाली, कैसे धार लगाई जाती है। धार आपको ऐसे ही लगाना जैसे मैंने वीडियो बताया है, और इस बीट को धार कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ धार लगा करके। सबसे पहले मान लीजिए मैं पहले होल करके दिखाता हूँ आपको। ये भी आधे इंच का है, अभी मैं इसको टाइट करता हूँ। अभी ये हमारी लकड़ी है, अभी हम इस पर होल करेंगे और आपको ये दिखाएंगे जो पहले वाली होल थी उससे साइज बड़ा हुआ कि नहीं, जैसा कि मैंने फार्मूला बता रहा हूँ अभी आपको। अभी देखिए, अभी ये आधा इंच का है, अभी मैं उससे बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, वो सेम बीट है जैसा कि पहले था, अभी तो दोस्तों मैंने इस बीट में धार लगा लिया हूँ, लेकिन अभी मैं आपको होल करके दिखाता हूँ कैसे मैं आधे इंच के बीट से 500 का या 500 अधिक या 600 का होल कर सकता हूँ। तभी इस बीट को वापस खोलेंगे, इस बीट को वापस टाइट करेंगे। हालांकि जो मैं धार लगाया हूँ अभी बीट में, तो जब भी आप धार लगाएं तो पानी साथ में रखें ताकि इसका टेम्पर मतलब न जाए। मैं बीट को टाइट कर दिया हूँ, अच्छे से टाइट करें बीट को। अभी मैं आपके सामने दूसरा होल करता हूँ,
बस ध्यान देना है कि थोड़ा मशीन संभालना है आपको। देखिए दोस्तों, अब ये पहले का होल है, ये बाद वाली है जो अभी मैंने धार लगा करके सेटिंग किया है। तो हालांकि ये ज़्यादा हो गया, होल 500 तक हो गया, ये अभी आधा इंच तक का ही है। तो फार्मूला यही है कि जैसे अभी दोनों बिट देखिए गौर से आप, अभी जो धार लगा हुआ है, धार लगा हुआ है बिल्कुल इसके आधे आध में है, यानी सेंटर में है इसका पॉइंट। यानी मान लीजिए ये आधा इंच है तो 2 सूट इस साइड में है और 2 सूट इस साइड में है, और इसका जो सेंटर है वो पॉइंट है। यानी सेंटर धार लगेगी तो हमारी बिल्कुल मशीन बराबर चलेगी और इसमें वाइब्रेशन भी नहीं होगा, और जितना हमारी बीट है आधा इंच का या 2 सूट का तो उसी हिसाब से होल होगा। और मैंने क्या ट्रिक अपनाया इसमें, ये भी आधा इंच का है, तो इसमें क्या किया मैंने, अब ये सेंटर से मैंने एक साइड ज़्यादा कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, एक साइड में इसको कम कर दिया हूँ। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए अभी यहाँ से इसका सेंटर 1 सूत है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर हो जाएगा, यानी जो पॉइंट निकला हुआ है 3 सूत हो गया, 3 सूत प्लस 1 सूत 4 सूत, यानी आधा इंची। तो ये जो पॉइंट है 3 सूत है, तो 3 सूत और प्लस जो इसका रनिंग एरिया होगा वो भी 3 सूत का होगा, तो कितना हो गया, 6 सूत हो गया। तो इसी फार्मूला के हिसाब से जब भी आपके पास कोई बीट हो, मान लीजिए 1/4 इंच का है, तो 1/4 इंच में भी वही फार्मूला अपनाएं, एक साइड को सेंटर से थोड़ा सा एक साइड में कर दीजिए और एक साइड का थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो आपका होल का साइज बड़ा हो जाएगा बीट के हिसाब से। यानी बीट 6 सूत का है तो 1 इंच का हो जाएगा या 1/2 इंच का हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो इस पॉइंट को ये लास्ट तक ले जाइए, धार लगा करके यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ तक ले के आइए, तो आधा इंची और प्लस आधा इंची 1 इंच हो जाएगा होल आपका। तो यही फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर आपके पास मान लीजिए मौके से बीट नहीं हो, वही बीट हो 2 सूत का या 3 सूत का, और आपको बड़ा होल चाहिए वो भी एक ही बार में करना हो, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे और भी नॉलेजफुल वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।